पीर किस किस से छुपाई जाए, पीर किस किस से छुपाई जाए, दर्द अपनों ने दिया है दवा लगाई जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बिहार के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल भारत लाइव पर। सबसे पहले तो खबर और अपनी बात रखने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि 4 लाख क्लब में आपके बिहार लाइव को अब स्थान मिल चुका है। ये आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है और साथ है जो हम एक रोज़ नए एक मुकाम को प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कई खबरें जो हैं वो वायरल हो गई हैं और हमारी खबरों को नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने स्थान दिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे द्वारा की गई खबरें और एक संदेश लोगों को बहुत भाया, अस्पतालों की स्थिति जो हमने दिखाया वो लोगों को बहुत भाया। लेकिन अब जो बात करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ वो बात बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार की अस्मिता से जुड़ी हुई है और बिहार कहाँ खड़ा है। शायद आप इस बात से परिचित भी होंगे, पर जब मैं ये बातें कहूँगा तो आप खुद को अपने बिहारियत से, अपने बिहार से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने सुना होगा अक्सर कि राजनीति सिर्फ अपना देखती है। आपको वो वाक्या भी याद होगा जो संपादक नमन मिश्रा जी ने अपने पंचनामा के दौरान कहा था कि एक नेताजी के बहुत ही करीबी ने कहा कि मुझे भी राजनीति सीखनी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है बेटा, इसको सीखना मत, मेरे तक ही सीमित रहने दो, तुम दूसरे काम में लग जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, आप इतना ज़्यादा राजनीति करते हैं, इतने लोग आपसे मिलते हैं, आपका इतना सम्मान होता है, मुझे भी सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं सिखा रहा हूँ। बोले कि चलो छत पे खुले आकाश में हम सीखेंगे। उन्होंने छत पर जाने के बाद कहा कि ठीक है, यहाँ ठंडी हवा लो और जैसे ही मैं नीचे जाकर के तुम्हें आवाज़ दूँ तुम नीचे आ जाना, बाकी तो मैं हूँ संभाल लूँगा। जैसे ही नीचे से उन्होंने आवाज़ दिया, वो छत से छलांग लगाता है और नेताजी जो सामने खड़े नजर आते हैं वो हट जाते हैं। घायल होने के बाद बताते हैं कि राजनीति का सबसे पहला जो गुर है यही है कि भरोसा किसी पर मत करना। लेकिन भरोसा और विश्वास के बिना क्या होना है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद ने आपको भयभीत कर दिया है, वो भय के पुरोधा हैं और हम भरोसे के काबिल हैं। लेकिन ये भरोसा कैसा, जब भरोसा टूटता जाता है? इन सब बातों की चर्चा करते हुए जो बिहार की स्थिति है, पहले बिहारियों को कई राज्यों से मार कर भगाया जाता था, अब बिहारियों की अस्मिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तो बिहार ऐसे ही काफी संकट से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने बिहार के लोगों को जीवन हराम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ हर साल वसूली करने आने वाला बाढ़, ऐसा लगता है जैसे बिहार के लोगों ने और उनके पूर्वजों ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि हर साल वसूली के लिए बाढ़ चली आती है, वसूली करती है और फिर चली जाती है। सरकार कहती है कि वसूली का सब कुछ हमने पूरा कर दिया, जिसका जो लॉस हुआ हमने दे दिया, पर वर्षों बीतने के बाद भी स्थिति ढाक के तीन पात, लोग आज भी मुआवजे के लिए एक सामान्य सा जीवन, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते रह जाते हैं, पर सरकार अपनी ही चाल चलती है, कागजों में विकास नजर आ जाता है। इन सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने लिखा था कि 15 साल कम समय ना होला, बिहार के जोन हाल बा वो हाल देख के हमरा रुवाई आवता। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारे तंज कसे गए थे। लालू प्रसाद ने यह भी लिखा था कि जो मेरा बिहार है वो सत्ता शासन और नीतीश कुमार के भरोसे नहीं है, एनडीए के भरोसे नहीं है,
नरेंद्र मोदी के भरोसे नहीं है, जो सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है उसके भरोसे नहीं है, बल्कि भगवान भरोसे है। हे भगवान, हमारे बिहार और बिहारियों को बचाना। इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन तत्काल बिहार जिस तरह से बिल्कुल स्टन हो गया है, बिहार के एक उदयमान कलाकार की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, आत्महत्या कहा जाता है, पूरा बिहार खोल जाता है, खास करके युवा पीढ़ी में एक अलग तरह का कि इतने बेहतर कैरियर में कोई व्यक्ति कैसे इस काम को कर सकता है, जिसके पास सारे संसाधन मौजूद थे, कैरियर के सबसे ऊंचे मुकाम पे वो आदमी था, और उस युवा ने आत्महत्या कैसे कर लिया। सवाल जब खड़े होते हैं तो इसके जांच की प्रक्रिया शुरू होती है, और जांच की प्रक्रिया में जब उसके पिता को ये संदेह होता है, जिसके कई कारण होते हैं, और वो जब इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कराता है और बिहार पुलिस जांच करने के लिए आगे बढ़ती है, उस जगह पर जाती है जहां वो रहता था, तो उस सुशांत सिंह, दिवंगत सुशांत सिंह के जांच की प्रक्रिया में लगी बिहार पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महाराष्ट्र की पुलिस दबंगई दिखाती है, संवैधानिक संकट आ जाता है और बिहार के लोग खौल जाते हैं। सभी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संस्थाएं, सभी को चिंता होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, पर महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि नहीं, मैं जांच करूंगा। CBI जांच की मांग होती है और उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया, जिन पर पूरे बिहार के लोगों के अस्मिता, सम्मान, प्रतिष्ठा, जानमाल सबका दारोमदार है, वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी से बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन घर का मुखिया यदि चुप हो तो बातें निश्चित रूप से उतनी ज़्यादा असरदार नहीं होती है। इन सब बातों को लेकर के चिंताएं अब बढ़ती जा रही हैं। चिंताएं तो तब भी बढ़ी थी जब नीतीश कुमार कोरोना संकट के दौरान खुद को घर में पैक कर लिए थे, लेकिन वहाँ भी कोरोना ने उन्हें नहीं छोड़ा। उनके आवास, सरकारी आवास में भी कोरोना प्रवेश कर गया, उसके बाद भी वो शांत हैं। बयान में बीच बीच में वो बोलते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर इन सब बातों को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं, और नीतीश कुमार की चुप्पी ने कहीं एक बार फिर से बिहार के लोगों के जहन में लालू प्रसाद के नाम को फिर से बार बार दोहराने के लिए मजबूर कर दिया है। वो लालू प्रसाद जिनको कहा जाता है कि वो लोगों के दुख दर्द में दिन और रात, सुबह और शाम, धूप और बरसात नहीं देखते थे, जरूरत पड़ी तो साइकिल से भी लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते थे, वो लालू प्रसाद थे जो लोगों के बीच में खेत में बैठ करके भूजा खा करके और लोगों की चर्चाएं सुना करते थे, गाय के गौशाला में चल जाया करते थे और वहां लोगों से पूछा करते थे कि क्या स्थिति है तुम्हारी, सड़क पर चलते चलते कहीं भी रुक जाते थे और पुलिस वाले से पूछते थे कंधे पर हाथ रख करके कि कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ये वर्दी तुम्हारी पूरा क्रीच नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, किस तरह की समस्या, घर परिवार क्या है। ये आत्मीयता और इस तरह का जो मानवीय संबोधन था उसने लालू प्रसाद को लालू प्रसाद बनाया था। लालू प्रसाद पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लालू प्रसाद को भले ही राजनीतिक रूप से उनकी दुश्मनी उनसे साध ले आप, पर जब जब जरूरत जहां भी पड़ी है लालू प्रसाद को प्रयोग किया गया है, चाहे अच्छे परिप्रेक्ष्य हो या बुरे परिप्रेक्ष्य में हो। लालू प्रसाद ने अपने लिए एक वैरियर बनाया था, एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर वो नहीं गए। भले ही आज लालू प्रसाद जेल में हैं, सजायाफ्ता हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद टस से मस नहीं हुए। बिहार और इस देश ने राजनीति के बहुत सारे रंग देखे हैं, उसमें एक रंग ये भी था कि लालू प्रसाद के पूरे परिवार पर लगभग कई तरह के केस दर्ज हैं, लेकिन लालू को छोड़ करके
उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सजा याफ्ता नहीं है। 2017 में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जेल जाने के करीब हैं, चार्जशीट होगा और जेल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब लालू प्रसाद जेल में हैं और किसी न किसी रूप में बिहार की राजनीति के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भी हैं। भले ही राजनीतिक रूप से अक्षम हैं, पर आपने देखा होगा कि सत्ता के लोगों के लिए अगर सबसे बड़ा डर कोई है तो लालू प्रसाद हैं, और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो लालू प्रसाद हैं। बात जब बिहार की जनता की आती है तो आपने देखा होगा, सिर्फ भारत लाइव की बात मैं नहीं करता हूं, आप अन्य मीडिया चैनल्स को भी देख लें तो लोगों ने 90%, 80%, 70%, उससे भी कम कर लें तो 60% जनता इस बात को मानती है कि लालू का राज, लालू गरीबों के लिए थे, और वो गरीब जिनको आवाज दिया, जिनको प्रतिनिधित्व दिया, वो आज भी लालू प्रसाद का गुणगान गाते हैं। राजनीतिक रूप से चाहे कोई कितना भी मजबूत हो जाए, या बहुत सारी गलतियां भी लालू प्रसाद ने की हो, पर उनकी गलतियों से ज़्यादा उनकी अच्छाइयां उन पर हावी हैं और लोग इस बात को मानते भी हैं। आज एक बार फिर से नीतीश की चुप्पी ने लालू को बड़ा ही महत्वपूर्ण बना दिया है। आज अगर लालू होते तो मुंबई में जिस तरह से बिहार पुलिस पर कार्रवाई हुई, उसे मुंह से आवाज तक निकालने नहीं दिया गया, मीडिया बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी, उसको रोक दिया गया और किसी के भी जुबान से एक शब्द निकलने नहीं दिया गया, ये बिहार की अस्मिता पर, बिहार के स्वायत्तता पर, बिहार के अस्मिता पर और बिहार के मान सम्मान पर निश्चित रूप से एक कड़ा प्रहार है, जिसका प्रतिवाद सरकार को जरूर करना चाहिए। सामंजस्य का भी अब अगर अभाव है तो भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्या बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस प्लान नहीं की थी? क्या बात करके वहां नहीं गई थी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सीधे बिहार के अस्मिता और बिहार के मान सम्मान से जुड़ता है, और कोई भी बिहारी अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि कोरोना संकट के दौरान लोग अपने घर आना मंजूर किए, पर किसी की दास्ता और किसी के दिए हुए टुकड़े पर पलना स्वीकार नहीं किए। ये बिहार के लोग हैं और ये बिहार की अस्मिता है, बिहार का मान सम्मान है, और अगर इसे बचा लिया गया तो बिहार देश का सबसे ज्यादा मजबूत इरादे वाला, मजबूती के साथ विकास करने वाला राज्य बन जाएगा। बिहारियों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो उसे सही ढंग से, उसके मान सम्मान को, जिसे मुखिया चुन दिया वो सामने खड़ा होकर के बोले कि हमारे बिहार के लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है तो मैं सामने खड़ा हूं। और यही वो कारण है कि जिसके चलते नीतीश और लालू में अगर चुनने की बात आती है तो जनता आज भी लालू प्रसाद को चुनती है। मेरी बातें हो सकती हैं कि आपको जाति लग रही हो, कुछ लोग ये भी लिख दें कि मैं लालू का भक्त हूं, पर मैं सवाल उनसे पूछता हूं जो लोग लालू प्रसाद का नाम लेकर के अपनी कुर्सी और राजनीति के साथ साथ सारी बातों को भूल करके, बिहार के लोगों की समस्याओं को दरकिनार करके, सिर्फ लालू भजन गा करके और लालू का नाम लेकर के सत्ता का अगर आस करते हैं, तो मैं अगर लालू की बातों को रख रहा हूं तुलनात्मक रूप से, तो फिर गलत क्या कर रहा हूं? 15 साल बनाम 15 साल पे आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, पर एक पत्रकार यदि सच्चाई आपके सामने लगे तो आपको चुभता होगा। चुभता है तो चुभ है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी बिहार की, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 70% जो गरीब गुरबा है, जो लोग हैं, आज भी लालू प्रसाद को अपना आइडियल, अपना नेता और अपना रहनुमा मानते हैं। कैसा लगा विश्लेषण आप जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई बात हो, अगर आप हमें कुछ और कहना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है। ये सरकार नहीं है कि आपकी बातों को नहीं सुनेगी या आपके बोलने पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्याप लगाएगी या आप पर आईडी, बीडी, ईडी, पीजी जो भी हो, सीबीआई सब लगा देगी। यहां आपको विचारों की स्वतंत्रता है और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखें। फिर मिलते हैं, नमस्कार। सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।